Hi boss, we have landed. इसने आते ही कॉल किया और बोला भाई जी से मिलना है, तो इसे ले आया। देखो, मैं किसे लेकर आया? Hello, I am Shivram from Code Consultancy, Jaipur. लेकिन वो तो मैं हूँ। ये कौन है? नए अवतार? दो लोग, एक ही जगह पे, एक ही एंटिटी में। It's weird. वो क्या तो कहते हैं उसे हिंदी में? वो अच्छा नहीं है। सही कहा, अच्छा नहीं है। लेकिन असली कौन है? वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भाई जी, चिल, लेट्स टॉक। या, लेट्स टॉक। ये शिवराम सच में फ्रॉड है क्या? निखिल यहाँ सबको लेकर आया है, हमें संभालना पड़ेगा। उसने तुम्हें फोन किया और कहा कि उसे मुझसे मिलना है, पर उसका तरीका सही नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो शिवराम को भी साथ लेकर आया है, ये आपके लिए थ्रेट है। अगर हम उसे धोखा देंगे तो वो भी हमें धोखा देगा, इसलिए वो शिवराम को अपने साथ लेकर चल रहा है। काम बड़ा है सुना तो, वो भी आराम से उसके साथ जुड़ गया। उसे लगता है कि मुझे डराने के लिए ये काफी है, अब किसी के सपनों पर तो रोक नहीं लगा सकते। खैर चलो, उससे चलकर मिलते हैं। गुड टू सी यू भाई जी, वेरी गुड टू सी यू। सब की तरह मैं भी तुमको भाई जी ही बुलाऊंगा, क्योंकि हम सबको तुम्हारा नाम ही नहीं पता। जब इसने मुझसे कहा कि भाई जी को थोड़ा मैटर डिस्कस करना है, तो बस मैं फ्लाइट पकड़कर तुमसे मिलने के लिए आ गया। अच्छा किया, पर इसे उठाकर तुम लाए और वो भी मुझे डराने के लिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाई जी, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफियों की ही उम्मीद थी। भाई जी, आपको गलतफहमी हुई है। आपने जिसकी कस्टडी में रखा था, वो जयपुर का बिट्टू मोंटी का गैंग, इतना सेफ नहीं है, इसीलिए मैंने इसे वहां से उठाया। लेकिन अब इसे डील में शेयर चाहिए। इधर आ, अपना घटिया दिमाग अपने पास रख। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातें समझ नहीं रहा हूँ जावेद? मैं तुम लोगों को डबल क्रॉस ना करूं, इसके लिए तुम लोग जिसे मोहरा बना रहे हो वो ये है। एक बात तुम लोग गांठ बांध लो, अगर मैंने किसी को फंसाने का सोच लिया तो वो करके ही रहता। कह दो इससे कि ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। भाई जी, उसे दिखाओ। इसके अंदर के मटेरियल्स को तुम लोग रेप्लिकेट करो, उसके लिए मैन पावर और मशीनरी मुझे पता है इसके पास है। हीरे मोती पन्ना और बाकी कीमती पत्थरों के डुप्लीकेट कलेक्ट करने के लिए तुम लोग अफ्रीकन मार्केट में जाओ, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी लेकर आओ। सबको रेड वेलवेट कपड़ों में बांध देना और उसे 12 बक्सों में भरकर यहां लेकर आना विद इन 20 डेज। समय कम है लेकिन काम हो जाना चाहिए। टफ टास्क, बट गाइस आई कैन डू इट। गुड, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो 21वें दिन गर्भगृह के अंदर का खजाना हवेली से गायब हो जाएगा। टिल देन। He is dangerous, पर मुझसे बढ़कर नहीं। काम खत्म करना है तो और लोगों को बुलाना होगा। बारिश के पहले सीमेंट का काम खत्म करना होगा। हाँ, पूरा कर सकते हैं सर। हाँ तो तुम लोग जाओ, मैं ठीक है, ठीक है। हाँ आइए शिवराम जी। हाथ कैसा है सर? बस ठीक ही हो रहा है, और अगर आपको तकलीफ ना हो तो ये सर्वर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मत बोला करिए।
और फिर आप जैसे सीनियर लोगों के मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पार्टी के अंदर जो अनजान लोग होते हैं वही लोग सर करके बुलाते हैं। ये स्कूल, यहाँ आसपास के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें कम पैसे में अच्छी पढ़ाई मिल जाए ऐसा सोचता हूँ मैं। तो मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर मैंने ये काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कदम आगे बढ़ा लिया है तो कैसे भी करके इस काम को पूरा करूँगा मैं। आप तो जानते ही हैं सरस्वती मेरी बेटी नहीं है। आज से 10-15 साल पहले जब उसका कोई नहीं था तो उसे साथ ले आया था, लेकिन कोई पूछे कि मेरे कितने बच्चे हैं बोलता हूँ सिर्फ एक बेटी है। मुझे बहुत फख्र होता है। मैं हमेशा तो रहूँगा नहीं, मेरे बाद भी वो इस समाज में सर उठा के जी सकती है, वो अपने जीवन में लोगों के लिए कुछ कर सके, यही सोचकर ये स्कूल बनवा रहा हूँ। वही चलाती है इसे, परेशानियों से मैं नहीं घबराता। लेकिन पिछले दिनों मेरे ऊपर जो अटैक हुआ उससे मेरा मन थोड़ा अशांत हो गया है। काम पूरा होने से पहले ही अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे ऐसे कुछ बातचीत करने की इच्छा हुई इसलिए आपको बुला लिया था। खजाने का मूल्य तय करने में आपको और कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। सुना है आपने, मीडिया ये हाइप कर रही है कि गर्भगृह में जो खजाना है उसे बेचकर एक हेरिटेज बनाने का प्लान है परिवार के ट्रस्टी लोगों का, और सुना है कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुला करके पार्टी और म्यूजिकल नाइट प्लान किया है हमारे नए जनरेशन ने। मैंने भी सुना। मैं जिस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ ये उनका गाया हुआ राग है, ये हम दोनों के बीच की कड़ी है। ये अपने पापा को दे देना, मैंने पढ़ने के लिए लिया था। हम आज रात को काम शुरू करेंगे। ये जो स्पॉट को मार्क किया गया है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये जो पॉइंट है इसके बीच में सीसीटीवी का हब है। प्रिया, तुम्हें इस हब को जैम करना है। ओके भाई जी, कंट्रोल रूम के सर्विलेंस में एक सॉफ्टवेयर है पर उसे जैम करना बहुत मुश्किल है। इट चेक्स एवरी 30 मिनट्स। तो ऑपरेशन के लिए हमारे पास वक्त है एग्जैक्टली हाफ एन आवर। दैट्स फाइन, you jam the CCTV hub sharp 1 o'clock. Okay. You will help me break in and I'll join you back at sharp 1:30. लेकिन भाई जी, गर्भगृह के अंदर जाके हमें आगे क्या करना है? केरला के चार मुख्य हवेलियों के स्केचेस हैं ये सब, इन चारों को गौर से देखो। इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, किसी की नजर में नहीं आने वाला एक सीक्रेट डोर, बाहर की दुनिया से गर्भगृह को जोड़ने वाला एक सीक्रेट टनल, ये चारों में कॉमन है। लड़ाई के वक्त या किसी भी इमरजेंसी के वक्त गर्भगृह के अंदर के सामान को बाहर ले जाने के लिए बनाए गए हैं ऐसे टनल और गुप्त दरवाजे। अगर ऐसा कोई गुप्त दरवाजा है तो हवेली के किसी आदमी या एटलीस्ट शेखर वर्मा को तो इसके बारे में पता होगा ना? मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा। सालों पहले जब गर्भगृह को बंद किया गया होगा तो मेरे हिसाब से उस वक्त के राजा को इसके बारे में पता होगा, पर उन्हें लगा होगा कि शायद खून खराबा हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, अपने बच्चों तक को नहीं। गर्भगृह के अंदर के खजाने को कोई हड़प ना ले इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। लेकिन भाई जी, वो गुप्त दरवाजा ढूंढने के लिए हमें वक्त चाहिए और अच्छी किस्मत भी। किस्मत से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, लॉजिक इज व्हाट मैटर्स। 16 वर्ष पहले बने दरवाजों में उस वक्त के कारीगरों ने कुछ मेटल्स तो जरूर डाले होंगे, इस थ्योरी पे काम करना होगा। गर्भगृह के अंदर के दीवारों को इस मेटल स्कैनर से स्कैन करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। यस, आई कैन फाइंड। मतलब तुम सिर्फ बोल रहे हो या चोरी होने की संभावना है? सर जी, एक अच्छे पुलिस वाले की खासियत क्या होती है आप जानते हैं क्या? गेटिंग फीलिंग, और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। यहाँ जरूर कुछ होने वाला है, ऐसा एक बिल्डअप यहाँ की हवा में है। तो तुम्हें किसी पर शक है क्या? शक? यहाँ के गर्भगृह में कितनी कीमती चीज है दुनिया जान चुकी है, और उस पर चैनल्स और मीडिया का हाइप,
एक प्रोफेशनल थीफ या गैंग के लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अब दूसरी बात, खजाने के चार उत्तराधिकारियों में से एक हिस्सा तुम लोगों का है, तभी राजशेखर सर का केस आ जाता है। अब अगर इसमें से किसी ने भी सोचा कि सारे उत्तराधिकारियों का खजाना खुद ही हड़प लूं, तो ऐसी भी स्कीम बन सकती है ना? राजशेखर, वो अकेले ही इस सब का जिम्मेदार है, इसीलिए तो उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। इसीलिए तुम ज्यादा कुछ मत बोलो, अगर उसे मार कर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो हम वो भी करेंगे। सुनो, उन्हें छोड़ दो, जिंदगी में बहुत मुश्किलें और दुख सह चुके हैं वो। आप सब उन्हें उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या पता है? छोड़ो उसे, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो हमारे बीच का सीक्रेट है। अब ठीक है तो फिर इसे यहीं बैठकर पीने देते हैं, चलो हम चलते हैं। हमेशा की तरह आज भी मुझे पिलाकर सुलाना चाहती हो ना? ओ कम ऑन, अब बताओ भी क्या है सीक्रेट।